रहे थे ऊर्जा व शक्ति संसाधन, खनिज व ऊर्जा संसाधन। अब अपन ने पढ़ा था ऊर्जा खनिज पढ़ रहे थे अपन इनमें, ऊर्जा खनिज। अब कल अपन ने कोयला पढ़ लिया था ऊर्जा खनिज में, आज है पेट्रोलियम। कोयले के क्षेत्र पढ़ लिए थे, किस किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। अब है पेट्रोलियम पदार्थ। इसमें देखो पेट्रोलियम पदार्थ में इसके भी अपन को क्षेत्र मुख्यतः याद रखने हैं, इनमें कहाँ कहाँ भारत में पेट्रोलियम पाया जाता है और कितना प्रतिशत यहाँ पाया जाता है। बस ये दो चीजें याद रखनी है। देखो इसमें देश में 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत अवसादी चट्टानों में स्पंज की भांति पाए जाने वाला तथा वनस्पति तथा जीवों के सागरीय भागों में दबने और रासायनिक तथा तापीय क्रिया से निर्मित होने वाला जीवाश्म खनिज तेल है। यकीन से यह भी कोयले की भांति ही, देखो इसमें बता रखा कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, यह अवसादी चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यह जीवाश्म पेड़ पौधे इनके जमने से तापीय क्रिया होने से और जो ये चट्टानी भागों में वनस्पति और जीवों के जमने से या जीवाश्म के जमने से जो यह पदार्थ बनता है उसे पेट्रोलियम या तेल के रूप में यह मिलता है। ठीक है, अब है जो कि प्राकृतिक गैस से नीचे मिलता है, खनिज तेल है जो कि प्राकृतिक गैस से नीचे मिलता है जिसे परिवहन तथा मशीनरी क्षेत्र में उपयोग लिया जाता है। अब परिवहन के जितने भी साधन हैं, परिवहन के जितने भी साधन चलते हैं अपन ने जैसे इनमें ये पेट्रोल से ही चलते हैं, पेट्रोल के ही अलग अलग रूप हैं। पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं यह एक पूरे में निकलते हैं, इसी से डीजल पेट्रोल और जो वो है ना मोम प्लास्टिक इस प्रकार के ये वो मिट्टी तेल ये इसी से रिफाइंड करके बनाए जाते हैं। तो पेट्रोलियम पदार्थ से जो ये अपने परिवहन के जितने भी साधन हैं वो पेट्रोलियम पदार्थ से ही चलते हैं। पहले ये कुछ कोयले से भी चलते थे लेकिन अब पेट्रोलियम पदार्थ से ही ये चल रहे हैं। इसके भंडार आसाम की ब्रह्मपुत्र घाटी व सुरमा घाटी, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा, उड़ीसा का पूर्वी तटीय भाग, राजस्थान में सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमालय का तराई भाग, उत्तरी व मध्य गुजरात, मुंबई बेसिन तथा गोदावरी और कावेरी डेल्टा क्षेत्र, अरब सागर में बॉम्बे हाई में पाया जाता है। अब कोयला कहाँ कहाँ प्राप्त होता है देखो, सॉरी कोयले का नाम आ गया, पेट्रोलियम कहाँ कहाँ प्राप्त होता है। मुख्य रूप से इसके दो क्षेत्र हैं, कौन कौन से, आसाम और मुंबई तटीय क्षेत्र में पाया जाता है यह, असम में डिगोई नामक स्थान पर और मुंबई में बॉम्बे हाई। ठीक है ना, अब देखो जैसे ये किस प्रकार से है, ठीक है। बॉम्बे हाई नाम है इसका, बॉम्बे हाई।
मुख्यतः यहाँ पाए जाते हैं, ये सौराष्ट्र के ये भाग में और यहाँ आसाम में डिगबोई नामक स्थान पर पाए जाते हैं। अब इसके अलावा जो ये पश्चिम बंगाल के जो ये सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, या ये जो ब्रह्मपुत्र और ये नदी बनाती है ना, या सुंदरबन डेल्टा डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, ये गोदावरी और कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में, ठीक है। यह तट पे पाया जाता है पेट्रोलियम जो पदार्थ है, वो जो तटीय क्षेत्र है उनमें सबसे अधिक आसाम और मुंबई के पास है, मुंबई है, इनमें ज्यादा इसका उत्पादन होता है। अब इसके बाद में देखो इसका क्या क्या उपयोग होता है, भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? देश के कुल उत्पादन का 90% उत्पादन महाराष्ट्र, असम, गुजरात और राजस्थान में किया जाता है। 90% उत्पादन कहाँ किया जाता है? महाराष्ट्र में, मैंने बताया ना, महाराष्ट्र, गुजरात, असम और राजस्थान में। महाराष्ट्र में कहाँ? मुंबई के पास बॉम्बे आयल तटीय क्षेत्र, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, आसाम के डिगबोई क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन इसका किया जाता है, और राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में, ठीक है। इस उत्पादित कच्चे तेल को देश की 24 बड़ी रिफाइनरी को पाइपलाइन के माध्यम से, अब जहां जहां पर यह उत्पादन होता है उनसे पाइपलाइनों के द्वारा रिफाइनरी क्षेत्र में रिफाइंड करने के लिए, इसको शुद्ध करने के लिए भेजा जाता है। अब देखो पाइपलाइन के माध्यम से गुवाहाटी, बैरोनी, बड़ोदरा, हल्दिया, मथुरा, डिगबोई व जामनगर को भेजा जाता है। यहाँ पर रिफाइनरी, ये मशीनरी लगी हुई है। इसी प्रकार प्राकृतिक गैस के भंडार, अब इसके साथ साथ ही देखो प्राकृतिक गैस के भी भंडार, तमिलनाडु प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है देख लो, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। क्या पाया जाता है यहाँ? प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? 90% महाराष्ट्र, गुजरात, असम और राजस्थान में 90% पेट्रोलियम का उत्पादन यहाँ होता है, जिसका प्रबंधन का कार्य भारतीय गैस प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। यह कंपनी देश की कुल प्राकृतिक गैस को विद्युत उत्पादन में 38%, उर्वरक निर्माण में 23% और शेष उद्योग और रसोई गैस के कार्य हेतु उपलब्ध करवाती है, ठीक है। इसके बाद है देश का 91% उत्पादन का महाराष्ट्र में, 71% तथा 11% गुजरात, असम में 7% तथा राजस्थान में 2% किया जाता है। राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार, अब राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये देख लो आप, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर जिलों में 12 ब्लॉकों में, ये पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। अब देखो राजस्थान में बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर जिले में, ठीक है। अब ये जो राजस्थान में ये जो तेल के पेट्रोलियम पदार्थ जो पाए जाते हैं, यह अब बाद में ही विकसित हुए हैं, बाद में ही इनको पता लगाया गया है, पहले ये नहीं पाए जाते थे महाराष्ट्र और असम में, ये पुराने मतलब शुरू से ही है इनका उत्पादन होता है। अब देखो
ये इसमें दे रखा है, जिसमें जैसलमेर ब्लॉक, सांचौर गुड़ामालनी ब्लॉक, बीकानेर नागौर ब्लॉक, बीकानेर गंगानगर ब्लॉक में संचित भंडार है। अब गुड़ामालनी तथा सांचौर सांचौर ब्लॉक में विदेशी कंपनी केरियन इंडियन के द्वारा 91 कुएं खोदे गए, जिनमें 12 कुओं में 2005 से व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ है। अब देखो कब से शुरू हुआ है, इसमें 2005 से इनमें जो ये ब्लॉक बना रखे हैं इनमें उत्पादन पेट्रोलियम पदार्थों का शुरू हुआ है। अब इसमें देखो पेट्रोलियम पदार्थ में अपन ने पढ़ा है, यह औषधि चट्टानों में पाया जाता है, जीवाश्म और इनके पेड़ पौधों और इनके द्वारा दबने से यह बनता है। इसके अलावा इसमें से रिफाइन करके इसको यातायात के साधनों में उपयोग में लिया जाता है। रिफाइंड करके इससे किस किस कौन कौन से पदार्थ बनते हैं पेट्रोलियम से, देखो डीजल पेट्रोल मिट्टी का तेल, मोम व प्लास्टिक। ठीक है, यह इसको इन रूपों में इसको रिफाइंड किया जाता है। इसे रिफाइंड करके पेट्रोलियम पदार्थ को रिफाइंड करके कच्चा ये काला तेल के रूप में जैसे निकलता है, जिसे डीजल पेट्रोल मिट्टी का तेल मोम और प्लास्टिक इसके द्वारा बनाया जाता है। अब यह अपने भारत में कौन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, भारत में यह मुख्य रूप से आसाम और मुंबई महाराष्ट्र में पाया जाता है। मुंबई आगे तटीय क्षेत्र में, सौराष्ट्र क्षेत्र में और कुछ भाग ये जो डेल्टाई क्षेत्र हैं कावेरी गोदावरी नदी के और ये सुंदरबन डेल्टा में इसका उत्पादन होता है। और राजस्थान में यह मुख्यतः पश्चिमी क्षेत्र में बाड़मेर बीकानेर जैसलमेर और गंगानगर जिलों के 12 ब्लॉकों में इसमें किया जाता है। इनको रिफाइंड करने के लिए पाइपलाइनों के द्वारा जो रिफाइंड क्षेत्र बना रखे हैं उनमें पहुंचाया जाता है इसको पेट्रोलियम पदार्थ को। अब अगला है इसके मुख्य मुख्य क्षेत्र ये याद करने हैं तो मैं मैप में भी भरने हैं। ठीक है, अब आगे देखो अगला है अपना परमाणु ऊर्जा खनिज। अगला ऊर्जा खनिज कौन सा है, परमाणु ऊर्जा खनिज, परमाणु ऊर्जा खनिज। अब परमाणु ऊर्जा खनिज क्या है इसमें देखो, परमाणु ऊर्जा के रूप में यूरेनियम 338 तथा 235-233, प्लूटोनियम 239 तथा थोरियम बेरियम जिरकन नामक खनिजों का उपयोग किया जाता है। ये खनिजों के नाम हैं, इसमें जो ये अपन ने बताए हैं वो खनिजों के नाम हैं। इसमें देखो ये आपको याद रखना है परमाणु ऊर्जा के रूप में कौन से मिलते हैं, यूरेनियम। कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है यूरेनियम में है, इसके नंबर के हिसाब से है ये 338 235 233 इसके बाद है प्लूटोनियम 239 यह इसका नाम है खनिज का ही नाम है यह, तथा थोरियम बेरियम जिरकन नामक खनिजों का उपयोग किया जाता है। एक ओंस यूरेनियम से 100 मीट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति उत्पन्न होती है। देखो अब कोयला कितना होगा, देखो इसमें बता रखा है एक ओंस यूरेनियम मापने की इकाई है ओंस, एक ओंस यूरेनियम जो है वो कितनी ऊर्जा प्राप्त करता है, यह वैसे तो साइंस का है लेकिन आप समझ लो इसमें एसएसटी में भी ये खनिजों में काम आते हैं। एक ओस यूरेनियम कितने के बराबर होता है, इसमें देखो दे भी रखा है आपके 100 मीट्रिक टन कोयले के बराबर 100 मीट्रिक टन कोयला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब
देखो ये हुआ है कि एक ही कोष यूरेनियम में जितनी शक्ति होती है, परमाणु शक्ति तो है, परमाणु ऊर्जा जो है वो शक्ति के रूप में ही इसमें अत्यधिक पावर होती है। तो एक कोष यूरेनियम में 100 मीट्रिक टन जितना कोयला अपन जला के उसको उपयोग में लेंगे, या जितना कोयले का उपयोग 100 मीट्रिक टन में अपन उपयोग करेंगे, वही शक्ति अपन को एक कोष यूरेनियम से मिल जाती है, उतनी ऊर्जा अपन को एक कोष यूरेनियम से प्राप्त होती है। ठीक है ना, इतने शक्तिशाली होते हैं ये परमाणु ऊर्जा खनिज। यद्यपि यह ऊर्जा खर्चीली होती है, इसको निकालना और इसको बनाना खर्चीला अधिक होता है, परंतु इससे बनने वाली विद्युत सस्ती होती है। इस कारण 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया, जिसके द्वारा देश में 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई है। आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है, 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। कई बार छोटे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। ठीक है ना, कब किया गया? 1948 में। इसके द्वारा कितने हो गए? 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई, जिसमें कि इन परमाणु रिएक्टरों द्वारा देश में 4800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। भारत में परमाणु खनिज के भंडार में यूरेनियम धारवाड़ तथा आर्कियन चट्टानों में बिहार की सिंहभूमि, अब बिहार में कहां कहां पाए जाते हैं ये यूरेनियम, देखो बिहार की सिंहभूमि में, राजस्थान के आवृत क्षेत्रों में पेगमाटाइट शैलों में, केरल के समुद्र तटीय भागों में मोनोजाइट चट्टानों में, थोरियम के भंडार केरल और बिहार में। यूरेनियम के तो कहां कहां पाए जाते हैं? बिहार, राजस्थान और केरल में। अब है थोरियम केरल और बिहार में, इल्मेनाइट के भंडार केरल की बालू में तथा बोरियन के भंडार राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह आपको याद रखने हैं। अब इनके अलावा देखो आपके भारत में पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन दे रखा है। इसके बाद दे रखा है भारत में प्रमुख खनिज उत्पादक जिले, यह टेबल दे दी है आपको, जैसे अपन ने अब तक का पढ़ा है ना सारा, उसकी टेबल दे दी है। जैसे बुक में देखो ये दे रखी है टेबल, तो इस बुक में से आपको ये टेबल के द्वारा आप आसानी से इसको रिमाइंड कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। जैसे तांबा खनिज है, उनके प्राप्ति क्षेत्र कहाँ है और इसका महत्वपूर्ण जिले कौन कौन से हैं, कितना इसका उत्पादन होता है, ये सारे इसमें दे रखे हैं। ठीक है ना, अब इसके आगे है राजस्थान में खनिज, खनिजों का अजायब घर कहा जाता है राजस्थान को। तो इसमें देखो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है ना, यह भी तुम्हें शॉर्ट में पढ़ना पड़ेगा। अजायब घर का मतलब है म्यूजियम इंग्लिश में, जो बोलते हैं कि यहाँ अत्यधिक खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं देखो, राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज, जिसमें 44 प्रकार के बड़े तथा 23 प्रकार के लघु और 12 प्रकार के गौण खनिज पाए जाते हैं। खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान देश में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा स्थान है राजस्थान का। खनिजों की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान है, पहले नंबर पे कौन है देखो, इसमें दे भी रखा है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पे है फिर राजस्थान। यह आपको ध्यान रखना है। अब अपन ने जब ये वर्णन पढ़ा तब भी पढ़ा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इनमें मुख्य मुख्य के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में देश का 22% खनिज उत्पादन होता है। इसमें राजस्थान के कुछ नगर या कस्बे खनिजों के कारण प्रसिद्ध है, जैसे तांबा नगरी खेतड़ी। तांबा नगरी किसे, कई और छोटे क्वेश्चन में पूछ लेंगे आपसे कि तांबा नगरी किसे कहा जाता है, तो खेतड़ी जो कि अपने यहाँ राजस्थान जिले में है। संगमरमर नगरी मखराना ये नागौर में है। राजस्थान में कुछ ऐसे खनिज हैं जिसमें हमें लगभग एकाधिकार प्राप्त है, जैसे एकाधिकार का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही प्राप्त होते हैं। उनमें है संगमरमर, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, वोल्स्टोनाइट, जास्पर, फ्लोराइट, जिप्सम, मार्बल, एब्सेटास, रॉक फास्टेस, चांदी, टंगस्टन और तांबा।
राजस्थान में खनिजों का विवरण निम्न तालिका में है। ये तालिका देखो, ये पीछे दे रखी है ना, जो इसमें ये आप देख लेना। राजस्थान के प्रमुख खनिज उत्पादक जिले ये बताए है ना, इसमें देख लेना। ठीक है, अब ये लेसन आपका पूरा हो गया है। छोटे क्वेश्चन जितने भी आपको मिले वो आपको नोट करने हैं कॉपी में, और मैं करवा दूंगी कल क्वेश्चन आंसर, और ये रद्द भी करने हैं, और चेक करने के लिए जब आप होमवर्क कर लो तो चेक करने के लिए डाल दिया करो फोटो।